हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा श्रीवास्तव ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चटपटी भिंडी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर दी, उस पर कढ़ाई रख दिया है। अब मैं इस पर सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों के तेल में सब्जी बनाने से टेस्ट अच्छा आता है और हेल्थ के लिए भी सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है। तेल गरम हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बनाना शुरू करूँगी। भिंडी तो हर घर में अक्सर बनती रहती है, लेकिन भिंडी की सब्जी को और टेस्टी बनाने के लिए मैं आपको आज चटपटी भिंडी बनाना सिखा रही हूँ कि कैसे कुछ मसाले हम डिफरेंट डालकर इस भिंडी की सब्जी को हम खूब चटपटी बना सकते हैं और सब पसंद करेंगे आपके घर में। तेल गरम हो रहा है, थोड़ा सा तेल मैं और डाल देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चटपटी भिंडी बनाने के लिए कुटी हुई दालचीनी ली है, हींग ली है, ये है पिसी मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, नमक और इसी के बगल मैंने थोड़ी सी वो मेथी दाना कूट लिया है उसको। जैसे ही मेरा तेल गरम हो जाएगा, मैं सबसे पहले इसमें हींग का तड़का दूंगी। तेल लगभग गरम हो रहा है, बस 1 मिनट और मैं तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें हींग डाल दूँ। सबसे पहले हींग डाल दिया। हींग के तड़के के बाद मैं अब मेथी और दालचीनी का जो कूट कर मैंने बना रखा है दाना, उसको मैं डाल दूंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये रेडिश हो जाए। ये देखिए, ये पक चुका है तेल में। अब मैं भिंडी डालूंगी। ये देखिए, भिंडी मैंने थोड़ा सा इस स्टाइल में काटा है, लंबे लंबे चॉप किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अब डाल दूंगी कढ़ाई। आंच को धीमा ही रखें, मैं भी कर दे रही हूँ धीमा, नहीं जलने का डर हो सकता। अब मैं बाकी बचे मसाले जैसे कि हल्दी, नमक, गरम मसाला और पिसी लाल मिर्च पाउडर, ये सब मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, पूड़ी पराठे से तो बहुत ही अच्छी लगती है, मज़ा आ जाता है। सादी भिंडी खाते खाते तो रोज बच्चे सभी लोग घर में उग जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, अब इसमें हम पानी वानी कुछ नहीं डालते, ये सीधे भाप से मैं ढक देती हूँ, ढक्कन लगा देती हूँ, भाप से कुक हो जाएगा। 5 मिनट बाद मैं खोल कर फिर से देखूँगी। फ्रेंड्स देखिए, मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसको ढके हुए। अब ये देखिए, इसको काफ़ी मेरी भिंडी देखिए रेडिश हो गई है, आपको देखने में ही लग रहा होगा। एक दो बार मैं चला दूंगी, फिर ये भून जाएगी और मैं सर्विंग बाउल में इसको सर्व कर दूंगी। एक बार मैं और ढक देती हूँ, फिर भून लूँगी।
देखिए फ्रेंड, ये भिंडी देखिए काफ़ी भुन भी चुकी है तेल में। थोड़ी देर में और इसको भूनती रहूँगी, फिर ये मैं सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। आप ट्राई करिएगा घर पर, अगर आप रोज एक ही स्टाइल में भिंडी खाते खाते आपका मन उठ गया हो और पराठे पूरी से रोटी से भी इवन आप खाकर देखिएगा बनाकर। ये देखिए फ्रेंड्स, तो अब मेरी सब्जी भिंडी की चटपटी भिंडी तैयार हो गई है बनकर। ये देख सकते हैं आप कितनी देखने में स्वादिष्ट लग रही है, बहुत ही स्वादिष्ट। अब मैं गैस ऑफ करती हूँ और सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके यहाँ कोई मेहमान आया हो या कोई आने वाला हो गेस्ट स्पेशल, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं और उसको अच्छी सी सब्जी बनाकर खिला सकते हैं किसी भी डिनर के साथ। हाँ तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो पसंद आया हो चटपटी भिंडी का, तो आप जो है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स।